तो यार तुम मेरे साथ आओ। अंदर नहीं, अंदर नहीं। ओ, ओ। ये तो अंदर लेके गए उसको। शर्वरी भी ना, क्या बातें कर रहे होंगे। एक काम करते, जाके सुनते, हम तो एक्सपर्ट है उसमें। बदमाश औरतें, उनको और कुछ काम धंधा नहीं होता। पानी लाऊं मैं? नहीं नहीं पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस अम्मी की याद आ गई। वैसे जोया मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? अब थोड़ी सी निजी है, चलेगा ना? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैं गुस्सा इसलिए हो जाती हूँ ताकि उनको और कुछ काम नहीं होते, बस दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है वो जान के मजे लेते हैं। मुझे भी सुननी है। तुम्हारी फैमिली सब लखनऊ में रहती है? अम्मी, अबू? अबू नहीं है मेरे। ओह माफ करना मुझे, क्लियर नहीं आ रहा ना आवाज। कुछ तो मिल रहा है ना सुनने को। सुनो ना फिर। दरअसल मैं और मेरी अम्मी चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा। मैं जब 12 साल की थी तभी अब्बू गुजर गए। अब्बू के जाने के बाद माँ चाहती थी हम मामू के घर जाए। जल्दी से सारे कपड़े भर, सामान भर, यहाँ पे कुछ छुपना नहीं चाहिए हमारा। अम्मी मामू के पास जाना जरूरी है? जाना जरूरी है। क्यों अम्मी, इधर इतना बड़ा घर है हमारा, उसको छोड़ के हम जाए? था, अब नहीं। था? मैं नहीं आ रही आपके साथ, इधर मुझे कितनी जगह है खेलने के लिए, डांस करने के लिए। अगर आज अब्बू होते ना तो वो भी आपको रोकते। वो नहीं है इसलिए तो हम जा रहे हैं। अम्मी से कहाँ पे लिखा है शौहर के गुजर जाने के बाद उसकी पत्नी को उसका घर छोड़ के जाना पड़ता है? मुझसे जबान मत लड़ा, तुझको जितना बोला है उतना कर, अपना सामान जल्दी से भर। मैं नहीं आ रही आपके साथ, इस घर में अब्बू की यादें हैं, मुझे उनके सहारे जीने दो। तुम्हारी अम्मी घर छोड़ के क्यों जाना चाहती थी? पता नहीं, पर माँ नहीं चाहती थी उस घर में रहना। भाभी कहाँ पे जा रही हो आप? आगरा जाने की तैयारी। आगरा क्यों? जोया के अब्बू मेरे बड़े भाई थे, भले ही भाईजान आज हमारे साथ नहीं है पर जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था जोया का ख्याल रखना, और मैंने भी उनको वादा किया था कि मैं जोया का और आपका ख्याल रखूंगा। भाभी मैं अपने अल्फाजों से नहीं मुकर सकता, आप मत जाइए। चाचू मम्मी को समझाना, मुझे नहीं जाना है। जोया कितनी बार मैंने तुमको बोला है बड़ों के बीच बातें मत किया करो, ये घर आपका ही है, भाईजान जाने की वजह से आपके ताल्लुकात इस खानदान से खत्म नहीं हो जाते। बिल्कुल बराबर कह रही है, अभी जोया के अब्बू नहीं है हमारे साथ, आप ही इस घर में बड़ी हो, अगर आप भी चली जाओगे तो कैसा चलेगा, इतना बड़ा घर सुना सुना पड़ जाएगा। आप एक काम कीजिए, कहीं मत जाइए, यहीं पर रहिए, आप ही का तो घर ही है। नगमा ने एकदम बराबर कहा। और अगर आप चली जाएगी तो मेरी बेटी जिया का क्या होगा? जोया और जिया बचपन से साथ में खेलते कूदते आ रहे हैं, जोया अगर आपके साथ मायके चली गई तो बेचारे का मन कैसे लगेगा? जोया मेरी बेटी जैसी है। हाँ मैं जोया को भी उतना ही प्यार दूंगी जितना जिया आपको देती हूँ, अगर आपको जाना है तो जाओ, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। भाभी प्लीज आप मत जाइए, अगर आप चली गई तो मेरा वादा कैसा पूरा करूंगा मैं? ठीक है मैं रुक जाती हूँ यहीं पे। सुन के अच्छा लगा। चाचू कितने अच्छे हैं ना, चाची भी। चाचा ने माँ को बहुत मनाया, फिर माँ मान गए और हम वहीं पे रहने लगे। क्या जरूरत थी उन दोनों को रोकने की, माँ बेटी मायके जा रहे थे तो जाने देते। क्या बेहूदा बात कर रही हो नगमा, ये उनका घर नहीं है, और वैसे भी मैंने भाईजान को वादा किया है मैं उन दोनों का ख्याल रखूंगा। भाईजान भाईजान भाईजान, जब वो थे तब भी आप उनके आगे पीछे करते थे, अब वो नहीं है फिर भी आप उनके आगे पीछे करते रहो। ये सब करने से पहले आपने मुझसे पूछा, सलाह मशवरा लिया? क्यों पूछूं मैं तुमसे? क्यों पूछेंगे मुझसे, मैं आपकी हुई कौन? अच्छी खासी दोनों माँ बेटी जा रही थी, नहीं रोक लिया उनको। हमारी इतनी प्यारी बेटी ही जिया, कभी उसके बारे में सोचा? ये सिर्फ जोया के आगे पीछे करना है। मुझे जितनी प्यारी जोया है उतनी प्यारी जिया भी है। रहने दीजिए, मुझे सब पता है आपको कितना कौन कौन पसंद है। शर्म नहीं आती नगमा तुम्हें? घर में क्या हुआ है, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो हुई बेशरम। जब ये दोनों माँ बेटी अपना असली चेहरा आपको दिखाएगी ना तब आपको समझ आएगा।
तुम्हारे चाचा चाची अच्छे थे? मुझे ऐसा लग रहा है हमारी बातें कोई सुन रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। मैं अभी देखती हूँ। ये तो जीतने वाला है, देख लेना। एबा, कहा था ना हमने ये जीतने वाला है। क्या बात है मॉमी, आप तो ओपिनियन मास्टर निकली। हम तो है ओपिनियन मास्टर। आपको पता है आप ऐसे ओपिनियन देके पैसे भी कमा सकते हो, वो भी असली। क्या बात कर रहा है? हाँ, प्रोबो से। प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ऐप है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। फायदे या सच्ची? यहाँ पे पहले तो आपको कैटेगरी चूज करनी है, जैसे कि क्रिप्टो, यूट्यूब, बॉलीवुड, न्यूज, जो भी चाहे वो। उसके बाद आपको एक सिंपल से क्वेश्चन का हाँ या ना में आंसर देना है। हमको तो बॉलीवुड पसंद है। ठीक है मॉमी, हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या रक्षाबंधन मूवी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे 6 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा सकती है? 50-50 इतना कर देता हूँ। अगर आप आंसर को लेकर श्योर हो तो यहाँ पे आप पैसे बढ़ा भी सकते हो। और पता है मॉमी, ये जीते हुए पैसे हम आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, एकदम सिंपल वे में। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आप भी वेट मत कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे जाइए डाउनलोड कीजिए, आपको इंस्टेंट 25 रुपीज मिलेंगे। इतना कुछ आपने उसे बोला फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो? देखिए शेवरी जी, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, बहुत लंबी कहानी है, आई एम सॉरी। पर अगर मैं अब मेरी कहानी सुना निबेट गई तो जो की कहानी मिस हो जाएगी, हमको वो सुनने दीजिए ना। Hey, you both mannerless! किसी की निजी जिंदगी के बारे में ऐसे बातें सुनते हो, शर्म नहीं आती? ससमा, हमको बस सुननी है, हम कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर भी नहीं बताएंगे। मिस ब्यूटीफुल, इनको बिल्कुल घर के अंदर घुसने मत देना। देखिए, हम सोसाइटी पूरी फैमिली है ना, तो सबको मिल बांट के कहानी सुननी चाहिए, मजा तो भी आता है। जोया जी, हमको भी सुननी है, हम कुछ नहीं करेंगे। सुनने दीजिए ना आगे भी कहानी। शर्वरी, उन्हें अंदर आने दो। सोया डार्लिंग, चलो मैं भी आती हूँ सुनने। सॉरी जोया जी, गलत फहमी हो गई हमको। सॉरी जोया जी, वो कुछ हम दोनों से आता ही बोल गए। मैनर्सलेस कहेगी सब करके, सॉरी 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 करती है। आपकी कहानी में आगे क्या हुआ, हमको सुनना है। बताइए बताइए, देखो देखो कितनी उतावली हो गई है। मेरा बचपन तो बहुत अच्छे से गुजरा, पर मैं जब बड़ी हो गई। हो गया डांस? हो गया चाचू। अबू, अपने बाजार से क्या लाया मेरे लिए खाने को? तुम तो एकदम अपनी माँ पे गई हो। क्या लाया क्या लाया, कचौड़िया रखी है बाहर, जाके खा लो दोनों। देखिए बुरा मत मानना, ये नाच गाना बचपन में ठीक था, अभी हम दोनों की बेटियाँ जवान हो गई है, अच्छा नहीं लगता ऐसा। और ये नाच गाना करके क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं, मैं तो डांस में ही करियर करने वाली हूँ। डांस में करियर?
चाचू आपको पता है मेरे तो इतने बड़े बड़े सपने, हमारे घर के बाहर ना ऐसा डांस का बड़ा सा स्टूडियो बनाऊंगी और उसके ऊपर ना जिया का नाम देंगे, जिया डांस स्टूडियो। डांस का स्टूडियो, नाचने वालों का सिर्फ कोठा होता है क्या नगमा? और वहां पे बस महफिलें सजाई जाती है नगमा। जोया यहां से जाओ। अम्मी, चाची को यह पसंद नहीं था कि मैं डांस करती हूँ। अरे क्या जोया डार्लिंग, तुम्हारा डांस तो कितना अच्छा है, तुम्हारी वजह से हम संगीत में जीते थे। पता नहीं लोग आज भी कला को गंदी नजरिए से क्यों देखते हैं। मुझे तो लगता है आपकी चाची जरा खड़ूसी थी। फिर जिसका डर था वही हुआ। मेरी शादी की बात, शायद उसी की वजह से अम्मी चाहती थी हम वहाँ पे ना रुके। शादी की बात से कैसा डर, वो तो हर लड़की की जिंदगी में आती है। हाँ जरूर शादी में कुछ बड़ा धमाका हो गया होगा, अब आएगा ना कहानी में मजा। नमस्ते, मैं शर्वरी, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी किलग्रिल सोसाइटी की तरफ से। फाइनली हमारे चैनल ने 3 मिलियन का नंबर क्रॉस किया है और हमारी फैमिली बन चुकी है अब 3 मिलियन प्लस। थैंक यू सो मच गाइस, आप हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए और हम आपको ऐसे इंटरटेन आगे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच और आपका खूब खूब आभार।